वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह लॉकडाउन है और चीजों की बहुत ही शॉर्टेज होगी, तो ऐसे में मैं आपको एक बहुत ही आसान सा सी रेसिपी बनानी बताऊंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं बनाऊंगी सूजी और चावल के आटे से उत्तपम। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसे आप सूजी से भी बना सकते हैं। तो ये लिया मैंने सूजी, यहाँ पे मैं एक कटोरी सूजी लूंगी, और जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही मैं लूंगी दही। ये मेरी घर की दही है जो मैंने घर में ही जमाई थी, और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, इसके बिना भी ये बहुत ही बढ़िया बनता है। और इसके बाद इसे थोड़ा सा पानी डालकर इस घोल को कर लूंगी अच्छे से मिक्स। और इसे मिक्स करने के बाद हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि जो सूजी हमारी वो फूल जाएगी अच्छे से। तो वह सूजी और चावल का जो आटा है वो अब थोड़ा सा फूल गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी और पानी, इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये मैं वेज उत्तपम बना रही हूँ, इसमें मैं कुछ सब्जियों का भी यूज करूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से बड़ा फ्लफी सा बनता है, तो इसमें आप नींबू का रस जरूर डालें। तो इधर आप देख रहे हैं कि मैंने ये कुछ सब्जियां ली हैं। यहाँ पे मैंने लिया गाजर जिसे छोटा छोटा काट लिया, टमाटर, प्याज, एक है ये हरी मिर्च जिसे इसे भी छोटा छोटा काट लिया। अब इसे बैटर में मैं मिक्स कर दूंगी हरी मिर्च को भी, और इस बैटर में मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालूंगी हरी धनिया पत्ती, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो उत्तपम का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। जो बैटर है उसे हमें ना तो बहुत गाढ़ा करना और ना बहुत पतला करना है। आप देख रहे हैं ये इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इधर मैंने एक तवा लिया, उस पर थोड़ा सा घी डाल लिया और तवे को कर लिया गर्म। अब हमारा ये जो बैटर है हम इस तवे पे फैला देंगे। हमें इसे थोड़ा सा मोटा मोटा ही फैलाना है। बहुत पतला नहीं फैलाना, क्योंकि जो उत्तपम होता है वो थोड़ा सा मोटा ही होता है। इसमें अगर हम नींबू का रस डालते हैं तो जो हमारा उत्तपम है बड़ा अच्छा सा और जालीदार सा बनता है। और इधर देखते हैं, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये सब्जियां, टमाटर, प्याज, थोड़ी सी गाजर, और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सब्जियों को हम अच्छे से दबा देंगे। तो सुबह के नाश्ते में या किसी भी टाइम आप इस उत्तपम को, ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घी तेल का यूज नहीं होता है, तो आप इसे सुबह के नाश्ते में या किसी भी टाइम बना सकते हैं। और ये बहुत कम घर में ही अवेलेबल चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे हम धीमी आंच पर सिकने देंगे। तो अभी एक साइड से सिक गया है, इसे हम पलट देंगे दूसरी साइड, और इधर से भी हम सेक लेंगे। तो आप देखें उत्तपम का कितना बढ़िया सा कलर आया। अब इधर से भी हम इसे लो गैस पर ही 1.5 से 2 मिनट तक सेकेंगे। तो जो उत्तपम है ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। इस टाइम पे आप इस पे चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो भी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे बिना उसके ही बना रही हूँ। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं अपने बाकी के भी जो उत्तपम है वो बना लूंगी। ये जो उत्तपम है ये बनकर तैयार है। ये सूजी से बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है, और बहुत ही कम सामान में ये रेसिपी बन जाती है। तो आप एक बार ये सूजी और वेज उत्तपम बनाकर अपने घर में देखिए कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख रहे भी हो रहे होंगे कि कितना सॉफ्ट बना है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।